ये टेक्नोलॉजी अब पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हो रही है और एक रेवोल्यूशन आ गया है। इनफैक्ट यूके में तो ये एक नेशनल न्यूज बन गई है, जहां पे एक लीगली ब्लाइंड लड़की का एआई लेसिक या वेवलाइट प्लस इनोवाइज वाला ऑपरेशन करा गया और आज की डेट में वो 6x6 से बेटर देख पा रही है। Do you know that AI just gave a vision to a legally blind woman? Yes, you heard that right. Patricia Gonçalves is a 31-year-old woman from Portugal who was legally blind and wearing thick glasses since the age of 5. But she recently became the first person in the UK to undergo an AI-powered LASIK surgery at Focus Clinics in London. And now her vision is even better than 20/20 vision. But the question is, how does this work? Let me explain. So the procedure starts with a 10-minute scan that creates a digital clone of your eyes. And then AI tests 2000 laser patterns on that digital eye to find a perfect treatment plan. And then the surgery, which is trained on a digital eye, is performed on the patients. Can you even believe that? Not just that, some of the patients have reached 20/10 vision, which is twice as sharp as a normal eyesight. For context, 20/20 means that you can clearly see at 20 feet. And Patricia now has 20/16 vision, which means she could see from 20 feet what others would need to be 16 feet away to see it. So basically, her vision is now ultra HD. This procedure has cost her around £6,500, and in clinical trials, all the 200 patients ended up having better than 20/20 vision, which means now they can see better than most people on the planet. Now this is a game changer because it gives hope to millions of people that their vision could now be corrected. So share this news with someone who wears glasses. Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ चश्मा हटाने की जो लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी अभी अभी लॉन्च हुई है सितंबर 2024 में WaveLight Plus InnovEyes के नाम से, जिसको बहुत पॉपुलरली AI लेसिक के नाम से भी रेफर करा जा रहा है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम दुनिया में पहली बार हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का यूज कर रहे हैं लेसिक टेक्नोलॉजी में, और अपने पेशेंट्स की जो विजन की क्वालिटी है उसको नॉर्मल से भी बेटर कर देते हैं। सो माय पेशेंट्स हु आर गेटिंग WaveLight Plus InnovEyes प्रोसीजर, दे आर सीइंग मोर देन दे हैव एवर सीन इन देयर लाइफ्स, क्योंकि इस प्रोसीजर में आपको एक विजन गेन का एडवांटेज मिलता है और हम अपने पेशेंट्स की विजन को 6.6 के भी बियॉन्ड 6.5, 6.4, 6.3 इस तरह की ईगल्स आई विजन की आजकल हम लोग बात करते हैं। तो अब इस WaveLight Plus टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये बाकी सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज स्टैंडर्ड लेसिक, कंट्यूरा, सिल्क, स्माइल, क्लियर, HDV, स्मार्ट सर्फ, ये जो सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज है इनसे बेटर कैसे हो गई है, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को एक हाई क्वालिटी विजन देने के लिए, ये मैं थोड़ा सा आज आपको एनिमेशंस की हेल्प से समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक आइडियल आई, जो एक बिल्कुल परफेक्ट आई होती है, वो कैसे बिहेव करती है। तो देखिए, आइडियल आई में क्या होता है कि जो भी आंख के ऊपर रेज ऑफ लाइट पड़ती है वो सारी बिल्कुल परफेक्टली हमारे पर्दे पर या मैकुला पर फोकस करती है। तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, आइडियल आई में जितनी भी लाइट आई के ऊपर फॉल कर रही है, सारी की सारी 100% लाइट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आपके पर्दे पर फोकस करती है। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, जो इंसान की रियल आंख होती है वो ऐसे काम नहीं करती। देखिए, हमारी रियल आंख में कुछ अब्रेशंस होते हैं, कुछ इररेगुलरिटीज होती है, जिसकी वजह से जो 100% लाइट आंख पर फोकस कर रही है उसका जो फोकस है वो परफेक्ट पर्दे पर नहीं पड़ता। एक मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं, उससे हमें और समझ आएगा। तो रियल आई में अब्रेशंस होती हैं, इसका मतलब 100% लाइट जो आंख पर फॉल कर रही है वो बिल्कुल परफेक्टली फोकस नहीं होती, उसमें कुछ रेज होती हैं जो
ऊपर नीचे फोकस हो जाती हैं आंखों में अब्रेशंस की वजह से। अब जब हम इस रियल आई में पुराने वाले लेजर ऑपरेशन करते हैं, जैसे मान लो वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज, टोपो गाइडेड, कंट्यूरा करते हैं, सिल्क करते हैं, स्माइल करते हैं, तो ये जो आंखों की अब्रेशंस हैं ये बढ़ जाती हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि रियल आई कैसे काम करती है, कि रियल आई में जो 100% लाइट आ रही है वो 100% पर्दे पर फोकस नहीं हो रही, कुछ 1-2% ऊपर नीचे फोकस होती है। और अब हम जिस आई में जब पुराने वाले लेजर से ऑपरेशंस करते थे तो हम इन अब्रेशंस को बढ़ा देते थे। तो मैं आपको दिखाता हूं एनिमेशन में। तो जब पुराने लेजर्स कर रहे थे, हम ऑपरेशन कर रहे थे पुतली पर कर रहे थे, तो ये अब्रेशंस और बढ़ जाती हैं और फोकस की क्वालिटी और खराब हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम वेव लाइट प्लस इनोवाइज वाले ऑपरेशन में क्या करते हैं। तो ये वेव लाइट वाला ऑपरेशन है, 100% लाइट जो आंख पर फॉल कर रही है वो बिल्कुल परफेक्टली पर्दे पर फोकस करती है। तो जब हम ये परफेक्ट फोकस आपका बना देते हैं तो आपकी नज़र जो है वो 6x6 से बेटर हो जाती है, क्योंकि अब्रेशंस के साथ एक नॉर्मल आई 6x6 देख रही है। तो जब मैं इन अब्रेशंस को हटा दूंगा, जब मैं इस लाइट को बिल्कुल परफेक्टली फोकस करा दूंगा, तो मेरी विजन की क्वालिटी नॉर्मल से सुपीरियर हो जाएगी। इसलिए वेवलाइट प्लस इनोवाइज प्रोसीजर में हमें ईगल्स आई विजन मिलती है, 6.5, 6.4, 6.3 की इस तरह की विजन मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट जहाँ पे मुझे आंख के सामने के अब्रेशंस या इरेगुलरिटीज को भी ठीक करना है, अंदर के अब्रेशंस या इरेगुलरिटीज को भी ठीक करना है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि 100% लाइट जो मेरे आई पर फॉल कर रही है उसका परफेक्ट सारी रेज बिल्कुल परफेक्टली पर्दे पर फोकस करें। इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट हम डिज़ाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी पर 2012 से काम चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन थी तो ये सारे ट्रीटमेंट को प्लान करने में ही 1 दिन या 24 घंटे लगते थे। आज यही काम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से 5 मिनट में कर लेते हैं और अपने पेशेंट्स को इतनी हाई एंड ट्रीटमेंट का एडवांटेज देते हैं। तो अब हम ये करते कैसे हैं ये मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहले इस ट्रीटमेंट को डिज़ाइन करना होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट की प्लानिंग या डिज़ाइनिंग है ये एक स्पेशल मशीन से करी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं इनोवाइज साइट मैप। ये जो मशीन है ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन है वेव लाइट प्लस टेक्नोलॉजी का। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी समझाया है कि इसमें 3 टेक्नोलॉजीज हैं, हार्टमैन-शैक वेवफ्रंट एनालाइजर, शेमफ्लंग टोमोग्राफी एंड पार्शियल कोहरेंट इंटरफेरोमेट्री या बायोमेट्री। तो इस मशीन के हेल्प से मैं पेशेंट की आंख का एक 3D डिजिटल आई मॉडल या 3D डिजिटल आई ट्विन या जिसको हम लोग आई अवतार कहते हैं वो मैं बना लेता हूँ। तो क्या होता है, जब मैं पेशेंट इस मशीन पे बैठता है तो ये मशीन पूरे आंख के अलग अलग तरह से मेजरमेंट्स लेती है और आपकी रियल आई का एक डिजिटल क्लोन या डिजिटल आईवतार को बना देती है। अब ये जो डिजिटल आईवतार है ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपकी रियल आई बिहेव करती है। अब जो हमारे पास ये डिजिटल आईवतार आ गया, अब हम आगे के स्टेप्स पे प्लानिंग शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप है कि पेशेंट मशीन पे बैठा और मशीन ने एक डिजिटल आई ट्विन या डिजिटल आईवतार को बना दिया। अब इस डिजिटल आईवतार पर हम लोग वर्चुअल सर्जरी करते हैं। कंप्यूटर पे ही सर्जरी हो रही है, रियल आंख पे सर्जरी अभी नहीं करी हमने। इस डिजिटल आईवतार पर हम लोग एक वर्चुअल सर्जरी या AI गाइडेड सर्जरी को करते हैं
और इस वर्चुअल सर्जरी को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है InnovEyes का, वो इसको रिफाइन करता जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइटरेशन। तो इस प्रोसेस को रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी से जो InnovEyes का सॉफ्टवेयर है वो लेजर पैटर्न को रिफाइन करता जाता है, बेटर करता जाता है, इस लेवल तक बेटर कर देता है कि जब हम इस लेजर पैटर्न को पेशेंट की आंख पर डालते हैं तो सारी लाइट जो आंख पर फॉल कर रही है वो फोकस करती है। थोड़ा सा और समझाता हूं, एक और मेरे पास बहुत बढ़िया एनिमेशन है इसका। तो अब देखो मैं समझाता हूं। अब हमने पेशेंट की आंख में, ये वर्चुअल सर्जरी है, ये रियल नहीं हुआ अभी, पेशेंट की आंख पर वर्चुअल सर्जरी करी और सॉफ्टवेयर ने देखा कि यार सारी लाइट नहीं फोकस हुई, कुछ लाइट तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तो जो लाइट टेढ़ी जा रही है वो इसको बैक ट्रेस करके लेजर पैटर्न को चेंज करता है और फिर एनालाइज करता है कि क्या ये जो रे ऑफ लाइट जो परफेक्टली फोकस नहीं हो रही थी वो फोकस हुई, अभी भी नहीं हुई। तो उसने फिर से बैक ट्रेस करा, फिर से लेजर पैटर्न को चेंज करेगा और फिर इसको चेक करेगा कि ये परफेक्ट फोकस पर आई कि नहीं आई, अभी भी नहीं आई। फिर से ये रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी से इसको बैक ट्रेस करेगा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बैक ट्रेस हुआ, फिर से लेजर पैटर्न को चेंज करा जाएगा और ये प्रोसेस चलता जाता है जब तक ये रे ऑफ लाइट जो है ये बिल्कुल परफेक्टली फोकस में आ जाए। ऐसे ये सॉफ्टवेयर हर रे को चेक करता है और जो रे फोकस पर नहीं आ रही उसका लेजर पैटर्न चेंज करके उसको फोकस पर ले आता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइटरेशन। अभी भी देखो एक रे फोकस नहीं है, अब इस सॉफ्टवेयर इसने फिर से इस रे को ट्रेस करा, फिर से लेजर पैटर्न को चेंज करा, ये आ गया, लेजर पैटर्न चेंज हुआ और ये रे ऑफ लाइट परफेक्टली फोकस हो गई। अब जब हमारे पास ये लेजर पैटर्न निकल गया डिजिटल आई-वतार पे, जहां पे सारी परफेक्टली फोकस हो रही है लाइट्स, इस पैटर्न को हम उठा लेते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं मेन मशीन पे, जहां पे आंख पर इसी पैटर्न से ऑपरेशन करा जाता है। तो क्योंकि ये पैटर्न आपकी आंख से ही उठाया हुआ है, आपकी आंख का एक डिजिटल क्लोन या आई-वतार को बनाकर वर्चुअल सर्जरी कर उसी से ये पैटर्न उठाया हुआ है, तो ये पैटर्न बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे हमने कंप्यूटर पे टेस्टिंग करी थी। तो जब इस पैटर्न से मैं आपका ऑपरेशन करूंगा तो सारी जो रेज हैं जो आंख पर फॉल कर रही हैं 100% लाइट का फोकस पर्दे पे आ जाता है और विजन आपकी सुपीरियर हो जाती है। ये सारा काम हम पहले कभी कर ही नहीं पाते थे। तो जो पुरानी सारी टेक्नोलॉजी है, लेसिक ले लो, स्टैंडर्ड लेसिक, कंट्यूरा ले लो, सिल्क ले लो, स्माइल ले लो, HDV 2.0 ले लो, क्लियर ले लो, स्मार्ट सर्फ ले लो, ये सारी जो है ना ये स्टैंडर्ड फिट ऑल टेक्नोलॉजीज हैं। यहाँ पे इतनी सारी प्लानिंग नहीं होती, यहाँ पर बस हम मशीन में नंबर डाल देते हैं और पेशेंट की आंख में लेजर डाल देते हैं। तो अगर तीन पेशेंट्स मेरे पास आएंगे, तीनों की आंख में 5 का नंबर है, तो तीनों का ऑपरेशन बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजीज में ये पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जहां पे हम लेजर टेक्नोलॉजी को आज की डेट में 100% पर्सनलाइज कर पा रहे हैं, 100% कस्टमाइज कर पा रहे हैं, 100% टेलर मेड, टेलर फिटेड ट्रीटमेंट है। पुरानी सारी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंड मॉडल पे काम करती थी, इस बारी हम पहली बार आई-वतार मॉडल पे काम कर रहे हैं और इसी रीजन से हम पेशेंट की विजन की क्वालिटी को बहुत ज्यादा सुपीरियर कर देते हैं, ईगल्स आई क्वालिटी, एक नॉर्मल इंसान से बेटर क्वालिटी। तो ये चीजें हैं जो चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है और आज की डेट में मैं अपने सारे पेशेंट्स के लिए इस टेक्नोलॉजी को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को एक बेस्ट क्वालिटी विजन का एडवांटेज देना चाहता हूं 2024 कंक्लूजन या 2025 की बिगनिंग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।